पूछेगा कौन? 2500 वैकेंसियां खाली है, जीटीए वालों का प्रमोशन हुआ है, 3700-3800 मतलब कम से कम 4000 वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में खाली है, लेकिन विज्ञप्ति और सिलेबस का नाम ही नहीं ले रही है। सभी लड़के परेशान हैं, सभी देवरिया, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, पीलीभीत तमाम जिलों से लड़के आए हैं बिना खाए पिए हुए, घर वालों से किसान मतलब किसान के सभी बच्चे हैं, सभी किसान से पैसा निकाल निकाल कर यहाँ पे आते हैं, कुछ मुकाम हासिल नहीं हो पाता, लड़के परेशान होकर जाते हैं। इतना बेकार ये आयोग है, इसको बंद कर देना चाहिए। इसको बंद आने के लिए हमने 50 किलो गेहूँ बेच करके हम आए भाई, किसान की लड़कियाँ तो गेहूँ और चावल धान बेच के आना ही पड़ेगा। उनके नाम पर बरगला रही है युवाओं को कि हम ये बांट देंगे वो बांट देंगे। युवाओं को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए वो है रोजगार, लेकिन सरकार जो है रोजगार पर नाम ही नहीं ले रही। रोजगार के नाम पर सरकार जो बोलती है जातिवाद, धर्म के नाम पर वोट बैंक बना रही है। इस बार नो वोट नो मंदिर मस्जिद जातिवाद पर राजनीति कर रही है, लेकिन 60% युवाओं को रोजगार देने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के सदस्यों की संख्या लगभग 2.5 लाख है, हर एक गांव में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं। इस बार अगर आज हमें आश्वासन नहीं मिला, डेट फाइनल नहीं मिली, तो हर एक गांव में भूख हड़ताल पर हम लोग। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, जिसका ये बात कोई भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश का ये आयोग ना कोई आयोग जारी नहीं कर पाएगा। तो आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, विज्ञापन जो जारी होने हैं आचार संहिता के पहले ही जारी हो पाएंगे, उसके बाद कोई नहीं हो पाएगा। बाकी परीक्षाएं चाहे तो आयोग करा सकता है, 1 महीने में 3-3, 4-4 परीक्षाएं भी करा सकता है, लेकिन फिलहाल आयोग को कराना ही नहीं है। अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर से चलते हैं, रात भर जगते हैं इतनी सर्दी में, लेकिन उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। और कुछ हम अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जी हरदोई से आया हूँ और जो कि पेट आज 2 महीने से ऊपर हो गया है, सभी लोगों का क्वालिफाई है, तो AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक की तत्काल रूप से विज्ञप्ति निकाली जाए। और यही हम कहना चाहेंगे कि छात्र बड़ा परेशान है, कि छात्र संघ जो लाली पॉप दिया जा रहा है उसको नहीं धरातल पे दिखाया जाए, पहले सिलेबस जारी किया जाए, तत्काल विज्ञप्ति जारी की जाए। और हम 1-2 अभ्यर्थी से और बात करने की कोशिश करते हैं। अरे पांडे, आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने कार्यकाल पाला है, उन्होंने युवाओं को केवल झुंझुना पकड़ाया है। अगर नोबल झूठ बोलने का नोबल प्राइज मिलता तो हमारे प्रवीण कुमार के अवश्य पाते, पहला नंबर पाते, 3 साल लगातार पाते। उन्होंने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने 2016 तक कम्प्लीट नहीं करवाई है इनका ये कार्यकाल का, ये इनको नोबल झूठ बोलने के लिए। तो जैसा कि हम अभी तक अभ्यर्थियों से बात की है, ये इनकी बात सही में सच है कि जब से प्रवीण कुमार आए हैं, ना सिर्फ UP SSC के सिर्फ AGTA के अभ्यर्थी नहीं, UP SSC की तैयारी जितने भी अभ्यर्थी कर रहे हैं वो इस आयोग से परेशान हो चुके हैं। फिलहाल देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक और अभ्यर्थियों से बात करते हैं, फिर और किसी अन्य भर्ती के अभ्यर्थियों से। सर अगर प्रवीण कुमार नहीं संभाला है तो तुरंत जाकर देना चाहिए, हम लोग करेंगे को छोड़ देना चाहिए। प्राथमिकता में एग्रीकल्चर कम से कम वही करवा दी, पेट करवा दिए कोई मतलब नहीं। हाँ चूतिया बना दिए कि हाँ पेट करवा दिए, जब कुछ करने रहे तो घर में करवा दिए। गन्ना पर्यवेक्षक और टेक्निकल असिस्टेंट में 40,000 बच्चे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके 5 तारीख के सिलेबस और वैकेंसी सब कुछ जारी कर देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा रहा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे जिले में हर भूख हड़ताल किया जाएगा और व्यापक आंदोलन होगा। तो दोस्तों ये रहे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के छात्रों का दुख। आयोग वाले नहीं निकलना चाह रहे, विज्ञापन निकलना है, विज्ञापन जारी करते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई छोड़ दें। उत्तर प्रदेश में जितने भी बेरोजगार छात्र हैं उन सभी के लिए रोजगार
रोजगार चाहिए और बिहार उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं। खाली होने के बावजूद भी आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आती है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में इतनी भ्रष्ट